तो स्वागत है आपका मूवीज के मास्टर में। यहाँ पर अपनी सीरीज मास्टर चर्चा को कंटिन्यू कर लेते हैं। यह है मास्टर चर्चा या नहीं होगा आपका बिल्कुल भी खर्चा। खैर सबसे पहले अपन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। बहुत सारी बातें होंगी आज, तो सबसे पहले अपन थोर के भाई लोकी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका सीजन 2 की रिलीज डेट चेंज हो चुकी है। नहीं, पोस्टपोन नहीं हुई है। हाँ सही सुना है, पोस्टपोन नहीं हुई है बल्कि पीछे गई है, एक दिन पीछे। पहले ये सीरीज फ्राइडे को आने वाली थी यानी कि अक्टूबर 6 को, लेकिन अब ये एक दिन पीछे हो गई है यानी कि थर्सडे को आएगी जो है अक्टूबर 5। यहाँ पर इसकी टाइमिंग 6 PM ET है यानी कि ईस्टर्न टाइम। लेकिन ये बात तो रही ईस्टर्न टाइम की, अपने इंडियन टाइम की बात कर रहे हैं तो भाई ये सीरीज आपको 6 अक्टूबर के सुबह 6:30 बजे मिलेगी। तो भाई सुबह सुबह उठना पड़ेगा इसके लिए, तो भाई चाय की चुस्की के साथ लोकी का मजा ले सकते हैं। खैर ये टाइमिंग हर एपिसोड के लिए होगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने रिलीज डेट चेंज कर दी, एक दिन पीछे कर लिया, क्यों? खैर मैं बता देता हूँ, ये इसलिए हुआ है क्योंकि मार्वल की महिला मंडल बोले था मार्वल्स मूवी 10 नवंबर को रिलीज होगी और भाई इसका 6 एपिसोड जो है वो 10 नवंबर को रिलीज हो रहा था, तो एक तरह से दोनों क्लैश कर जाएंगे, तो उन्होंने एक दिन पहले कर दिया है। लेकिन अपने इंडिया में अभी भी सिचुएशन सेम ही रहेगी, यहाँ पर 10 तारीख की शो सुबह 8-9 बजे या 7 बजे लग जाएंगे द मार्वल्स के, और उसी वक्त लोकी का फाइनल एपिसोड भी आएगा। तो अपने लिए सेम सिचुएशन है, कुछ नहीं बदला अपने लिए। खैर इसी के साथ लोकी सीजन 2 से एक पोस्टर भी सामने आया जो तुम देख सकते हो यहाँ पर, और एक 30 सेकंड का छोटी क्लिप भी आई है। भाई इस क्लिप को क्या ही एडिट करा है, मजा आ गया देखकर। हालांकि ये क्लिप कुछ ऐसा मेजर रिवील नहीं करती है, तो देख सकते हो। खैर एक रात मैं जा रहा था, मुझे एक अंधा व्यक्ति दिखा और मुझे उसको देखकर डेडेविल की याद आई। तो अगली न्यूज है डेडेविल से लेकर। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स के डेडेविल के शोरनर ने बताया कि डिज्नी की डेडेविल बॉर्न सीरीज आने वाली है ना, वो एक न्यू स्टार्ट होगी। यहाँ किंगपिन की ओरिजिन नहीं होगी, वैनेसा फिस्क की कास्ट बदल गई है, फॉगी नेल्सन नहीं आ रहा है, कैरन पेज नहीं आ रही है। तो ये सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि डेडेविल के तीनों सीजन एक कैनन एंडिंग हो सकती है। यहाँ डिज्नी वाले अलग ही अपना गेम खेल रहे हैं। यहाँ नेटफ्लिक्स का डेडेविल काफी ज्यादा सही लगता था, वो रियलिस्टिक फाइटिंग, ब्रूटिलिटी ऑन द पीक। क्या डिज्नी डेडेविल की सीरीज में इस कैरेक्टर को पोटेंशियल दे पाएगा, एक्सपोजर दे पाएगा? क्योंकि भाई ये लोग स्टोरी तो कंटिन्यू कर नहीं रहे हैं और डिज्नी कहीं ना कहीं सीरीज को रून कर देगा, वो डर बैठा हुआ है। तो क्या जेम्स गन ने बताया कि जब वो मार्वल की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को बनाने की इनिशियल स्टेज में थे तो उन्होंने कास्ट की लिस्ट बनाई थी, यहाँ पर सारे कैरेक्टर को कौन प्ले करेगा उन पे एक लिस्ट थी। लेकिन भाई जब कास्टिंग हो गई उसके बाद पता चला कि उनकी लिस्ट से सिर्फ एक ही कैरेक्टर मैच खाता था, वो था गमोरा का कैरेक्टर, बोले तो जोए सरडाना की कास्ट। हालांकि देखा जाए तो क्रिस प्रैट यानी कि अपना पीटर कोइल और भी कास्ट थी जो जेम्स गन की लिस्ट में नहीं थे, मतलब उनका कोई मन नहीं था, उनकी एक अलग ही कास्ट बनी हुई थी पहले से उनकी लिस्ट में, लेकिन इन दी एंड सब फिट हो ही जाते हैं। खैर इससे एक बात तो पता चलती है कि जेम्स गन एक विजनरी डायरेक्टर है, उसके POV से गमोरा के लिए जोए फिट हो गई थी। खैर द महिला मंडल द मार्वल्स का बजट वैनिटी फेयर से पता चला है कि $130 मिलियन का खर्चा हो चुका है। हेलो, हाँ जी क्या बात कर रहे हो, बजट बढ़ गया क्या? चलो ठीक ठीक ठीक। खैर तो अपने सूत्रों से पता चला है कि भाई $275 मिलियन का बजट हो चुका है इस मूवी का, पता नहीं कहां से बढ़ गया। खैर इसके साथ ये मार्वल की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी बन जाती है, ये चौथे नंबर की मूवी है जो सबसे ज्यादा खर्चा करा है मार्वल मूवी ने। खैर एक बात है इस मूवी को लेकर कि इसका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक्टर इसकी प्रमोशन नहीं कर पाएगा स्ट्राइक के चलते हुए, क्योंकि एक्टर की स्ट्राइक तो भी बैठी हुई है, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रमोशन का असर इसके बॉक्स ऑफिस पर पड़ेगा, और इसका बजट इतना हाई है तो इसको ब्रेक इवन करने के लिए भी थोड़ा तरसना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो मार्वल की मूवी के रिकॉर्ड अभी ढंग के नहीं चल रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन हालांकि मैं बताऊँ कोई भी हाइप नहीं है इस मूवी की। खैर इसी के साथ एक और चीज़ है जिसकी हाइप नहीं है, वो है इको सीरीज जो कि फाइनली अब 2024 को किक ऑफ करेगी, यानी कि 2024 में ही रिलीज होगी, ये 2023 के स्लॉट से हट चुकी है, तो देखते हैं क्या होता है। उसी के साथ लाल कपड़े वाले डेडपूल 3 की तरफ से एक न्यूज़ आई है, यहाँ उसके डायरेक्टर शॉन लेवी ने कहा है कि डेडपूल 3 में एक्समैन की कास्ट इन्वॉल्व तो होगी, यानी कि उसकी स्टोरी तो इन्वॉल्व होगी। तो देखो भाई 1990 में मार्वल बैंक्रप्टी में था, उसने अपने एक्समैन के राइट्स फॉक्स वालों को बेच दिए, जिन्होंने दबाकर मूवी की स्टोरी लिखी और दबाकर पैसा छापा, एक अच्छी खासी स्टोरी बिल्ड कर दी, अच्छे खासे सीन के साथ, थोड़े थोड़े 18+ भी चले गए, लेकिन भाई इन दी एंड उन लोगों ने थोड़ा खराब सा कर दिया। उसी के बाद 2019 में जब मार्वल में बहुत पैसा आ गया तो उन्होंने फॉक्स से वो राइट्स वापस ले लिए, खरीद लिए। खैर मार्वल तो यही कहेगा सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। खैर द फॉक्स सेंचुरी की बात है, वो 18+ होने से नहीं डरता था, डेडपूल 1 और 2 इसका बढ़िया एग्जांपल है। खैर डेडपूल 3 के डायरेक्टर शॉन लेवी ने भी कहा है कि हम इसको आर रेटेड बनाने की कोशिश तो करेंगे, और ऐसा कह भी रहे हैं कि जो आर रेटेड मूवी होगी। अब देखते हैं भाई डिज्नी का आर रेटेड कितना जस्टिस दे पाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई डिज्नी अपनी बच्चों वाली दुनिया से बाहर ही नहीं आ पाता है, वो 16+ और 13+ से ऊपर ही नहीं जा पाता है, तो भाई देखते हैं क्या ही कर पाएंगे ये। खैर जब मूवी आएगी तो बाद में अपन कह देंगे भाई फॉक्स वाले अच्छा खासा जस्टिस दे पाते हैं डेडपूल को। खैर एक और बात पता चली है कि डेडपूल 3 में जो 20 फॉक्स सेंचुरी की जो मूवी स्टोरी लाइन है वो मेंशन होगी, यहाँ पर बताया जाएगा कि जो सेक्रेट टाइमलाइन है उसके हिसाब से फॉक्स सेंचुरी की जो इवेंट है जितनी हमने एक्समैन 2000 से देखी है अभी तक, वो एक तरह से होना ही नहीं था, एक तरह से वो गलती मानी जाएगी, एक नेक्स्ट इवेंट माना जाएगा, सारी चीजें उसी हिसाब से सारी चीजें प्रून होकर वॉइड में आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि डिलीटेड सीन में 20 सेंचुरी दिखा था,
तो एक तरह से देखा जाए तो मार्वल यही कह रहा है कि एक्समैन की जितनी भी चीज हुई है वो एक तरह से गलती थी, एक नेक्सस इवेंट था जिसको रिटर्न करा जाएगा, जिसको वापस कर लिया जाएगा। और इसी तरह ये स्टोरी अच्छे खासे एक्समैन के कैमियो दिखा सकती है, क्योंकि तुम जानते हो मल्टीवर्स के रास्ते खुल चुके हैं, कौन कहां से आ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। शॉन लेवी, जैकमैन और रियान की एक फोटो सामने आई है जहां वो स्ट्राइक के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका शूट का काम बचा हुआ है जिसके लिए भाई सब एक्साइटेड है। खैर, स्पाइडरमैन नो वे होम से कुछ इमेजेस सामने आई है जहां अपना स्पाइडरमैन और एमजे दोनों गोब्लिन पर चढ़ गए हैं। हां, गलत मत समझना, यहां पर एमजे के हाथ में गोब्लिन के लिए बनाया गया क्यूर है और वो उसके अंदर घुसाने की कोशिश कर रही है। खैर, तुम लोगों को नहीं पता लेकिन एमजे बहुत ही ब्रेव है और ऐसी ही ब्रेवनेस ग्वेन ने भी दिखाई थी जिसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। खैर, स्पाइडरमैन नो वे होम से एक और कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आई है जहां पीटर वल्चर की हेल्प लेने उसके घर पहुंच जाता है, क्योंकि यह सीन लिटरली सेंस नहीं बनाता है क्योंकि भाई वल्चर उस टाइम जेल में था। खैर, इसको तुम अल्टरनेट सीन मान सकते हो। खैर, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से कुछ हॉट टॉयज सामने आए हैं, वो है R42 के माइल्स मोरालेस के। खैर, टोबे वाले स्पाइडरमैन से भी कुछ आर्ट सामने आई हैं जिसमें वेनम के लुक सामने आए हैं, जो देख लो अच्छे लगते हैं देखने में। खैर, सैम रेम ने बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एक डार्क साइड है। देखो, स्ट्रेंज एक अच्छा आदमी है लेकिन उसकी भी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो एरोगेंट है, सेल्फिश है और यही सारी चीजें उसको महान बनाने से रोकती हैं। लेकिन भाई वो डार्क साइड से लड़ता रहता है, वो अपने आप को रोकता रहता है कहीं वो डार्क पाथ पे ना चला जाए। और तुम्हें तो पता है कि स्ट्रेंज की डार्क साइड कितनी घातक हो सकती है यूनिवर्स के लिए, क्योंकि इस स्ट्रेंज ने लौंडियाबाजी के चक्कर में अपने यूनिवर्स की बैंड बजा दी। मैं बात कर रहा हूँ सिनिस्टर स्ट्रेंज की, और चाहे बात कर लो तुम व्हाट इफ के सुप्रीम स्ट्रेंज की, जिन्होंने सिर्फ लौंडियाबाजी के चक्कर में बैंड बजा दी, सबकी बैंड बज गई। खैर, देखा जाए तो स्ट्रेंज अपनी लाइफ में पूरी तरह तो खुश नहीं है। यह चीजें डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्यूचर में उसको डार्क साइड पे जाने में मजबूर जरूर करती हैं, क्योंकि भाई क्रिस्टीन चले गई, हाथ चले गए और यही सारी चीजें डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्यूचर में उसको डार्क साइड पे ले जाने का काम करती हैं, उसको मजबूर तो जरूर करती हैं। खैर, अगर तुम दूसरे एंगल से देखोगे तो सिनिस्टर स्ट्रेंज का भी यही हाल हुआ था। वो आम आदमी अपनी तन्हाई के चलते उसने पूरी यूनिवर्स को तबाह कर दिया और साला ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज से कह रहा है कि क्रिस्टीन दिलवा दो, पहले तुम लड़कियां दो मुझे, लड़कियां खरीदता है। खैर, देखा जाए तो आदमी अपनी मनपसंद औरत के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो इम्पॉसिबल क्यों ना हो, ट्राई तो जरूर करेगा। खैर, डॉक्टर स्ट्रेंज में अच्छाई का भंडार है, तो एक तरह से देखा जाए तो उसकी लाइफ अभी बैलेंस स्टेट पर है, जो कब इवल हो जाए कुछ कह नहीं सकते। खैर, एक कैरेक्टर है जो इवल हो चुका है, तो खैर रिची पार्मर जो मार्वल के प्रोडक्शन असिस्टेंट है, उन्होंने बताया कि वांडा को एमसीयू का विलन क्यों बनाया गया है। तो तुम्हें जैसा पता है कि भाई हमारी प्यारी वांडा का चाइल्डहुड कुछ अच्छा नहीं गुजरा है, आंखों के सामने बाबा मर गए, आंखों के सामने मुंह पे बम गिर रहा है, वो भी स्टार्क इंडस्ट्री का, और उसका भाई भी मारा गया और उसके बाद उसने जिससे प्यार किया उसकी चॉइस बहुत खराब है वांडा की। खैर, उसके सिर के टुकड़े भी करने पड़े, तो जब उसने डार्कहोल्ड को पकड़ा तो वो हीरो से विलन के रास्ते कब आ गई उसको भी नहीं पता। खैर, ऐसा क्यों हुआ मार्वल वालों ने बताया है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉमिक में भी वांडा ऐसी ही है, उन्हें कॉमिक के कैरेक्टर को एक्यूरेट दिखाने की कोशिश करी गई लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज रास नहीं आई, उन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश करी लेकिन सच बोलना भारी पड़ गया। खैर, सीरियल के साथ भी यही हुआ, उसकी कॉमिक में यही हरकतें हैं तो लाइव एक्शन में भी यही दिखाया गया, लेकिन सीरियल के लिए मैं दो लाइन जरूर कहना चाहूंगा, अगर कॉमिक ऐसी है कॉमिक को भी फाड़ दो साला। खैर, तो फैल्कन द विंटर सोल्जर की VFX कोऑर्डिनेटर ने अलेक्जेंडर रिबैक ने कहा कि उन्होंने 75 दिन इन अ रो काम किया है उन्होंने इसके VFX पे, और उनको आराम भी तभी मिलता था जब उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन होता था, और उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट एनीवन हु कम्स इनटू VFX टू एंड अप डूइंग व्हाट आई हैड टू डू। तो चीजें भाई ग्राउंड लेवल पे कितनी नीचे जा चुकी हैं तुम्हें नहीं पता, डिफरेंटली तरीके से चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, VFX आर्टिस्ट की लगी पड़ी है, तभी वो भी तो स्ट्राइक पे बने हुए हैं। खैर, अगली खबर शायद तुमको चौंका देगी, तो मैं बताऊं कि अपने लेट चैडविक बोसमैन और लुपिटा यानी कि ना किया गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में ड्रैक्स और गमोरा के रोल को निभाने के लिए ऑडिशन दिया था। खैर, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, लोकी सीजन 1 फिजिकली रिलीज होगा 4K अल्ट्रा एचडी में, जो कि भाई इसी ट्यूजडे हो जाएगा, तो भाई कौन ले रहा है ये बता देना मेरे को। खैर, अपने कैप्टन अमेरिका से पूछा गया, यानी कि क्रिस इवान से पूछा कि आप कैप्टन अमेरिका के रोल में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता लेकिन जब भी वो बुलाएंगे मैं हमेशा पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि उन्होंने कहा इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर तुम दूसरे एंगल से सोचोगे तो क्रिस इवान यही बंदा कैप्टन अमेरिका के रोल को नहीं कर रहा था, यहाँ पर अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर उसको मनाने गए, उसको कन्विंस किया कि इस रोल को कर, और उस रोल ने क्रिस इवान की लाइफ बदल दी। क्योंकि हाल ही में एक और चीज सामने आई थी जहाँ बताया गया था कि क्रिस इवान जब कैप्टन अमेरिका मूवी में रोल प्ले कर रहे थे तो लोग ये सोच कर नहीं गए थे कि क्रिस इवान को देखने जाना है, वो कैप्टन अमेरिका की गुडविल से देखने गए थे, जब कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर पर वो सूट हुए तब क्रिस इवान की पहचान बनी। तो देखा जाए तो एक कॉमिक के कैरेक्टर ने क्रिस इवान की लाइफ बदल दी है, मतलब कि एक फिक्शनल कैरेक्टर ने उसकी रियल लाइफ बदल दी। खैर, इसी के साथ खत्म हुई डीसी की बात कर लेते हैं जो कभी भी उड़ सकता है, जिसमें भैया जेम्स गन ने बताया कि क्रेचर कमांडो का काम चल रहा है, वो भी बड़ा धूमधाम से, मतलब जोरों शोरों से उस पर काम चल रहा है क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट कम्प्लीट हो चुकी है। खैर, इसी के साथ पता चला कि डीसी स्टूडियो अपना प्राइमरी प्रोडक्शन हब एट बार्नर ब्रॉस को एक्सपेंड करना चाहता है, यहाँ पर वो 10 न्यू साउंड स्टेज बनाएगा और यह प्रोजेक्ट 2027 से खत्म होगा, यहाँ वो सारी चीजें यूके में एस्टेब्लिश करेगा और भाई ये सारा काम यूके में एस्टेब्लिश होगा क्योंकि तुम्हें पता है कि यूके को स्ट्राइक से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वहां पर गेम ऑफ थ्रोन का काम अभी भी चल रहा है। तो हाँ, वो फ्यूचर के प्लान लेकर चलते हैं क्योंकि आगे तो राड़ा फैलेगा तो वो अपना समेट लेंगे। खैर, इसके पता चलता है कि डीसी में
बहुत पैसा है और दिमाग में, लेकिन भाई डीसी में एक चीज नहीं है, द हायरार्की ऑफ पावर। तो रॉबर्ट पैटिंसन वाली बैटमैन के डायरेक्टर मैट रीव्स ने बताया कि पॉल और रॉबर्ट पैटिंसन के बीच जो फाइनल सीन था मूवी में वो दो दिन तक शूट हुआ था, क्योंकि इस सीन में 70-80 टेक लिए गए थे, क्योंकि भाई पॉल भैया अच्छा खासा टेक ले रहे थे क्योंकि उनको फील नहीं आ रहा था, वो चीजें अच्छी देना चाहते थे एकदम बढ़िया। खैर देखा जाए तो पॉल भैया का डेडिकेशन तो है, लेकिन भाई ये सोच कर देखो कि रॉबर्ट पैटिंसन 70 बार कांच में मार रहा है, भाई पागल हो गया होगा मार मार के। खैर इसी से बड़ी शॉकिंग न्यूज सामने आई है कि अपनी वॉन्डर वुमेन लौट कर आ सकती है, यहाँ उनके लिए जगह तो है, क्योंकि भाई जेम्स गन के यूनिवर्स में कहीं ना कहीं गैल ग्लॉड एज अ वॉन्डर वुमेन दिख सकती है, जिसके देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सही में। खैर बात करें अब छोटी मोटी अपडेट्स के बारे में, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पैसों की। तो नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट सीजन से इंस्पायर होकर बनी है बर्लिन सीरीज, जिसका टीजर आ चुका है और इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है 29 दिसंबर, यानी कि न्यू ईयर में एंजॉय करेंगे। तो भाई नेटफ्लिक्स इस साल के अंत में अच्छा माल देने वाला है। खैर इसके अलावा निकोलस केज की ड्रीम सिनेरियो वाली मूवी सामने आई है, जो कि 10 नवंबर को रिलीज हो जाएगी, और इस मूवी का प्लॉट क्या कहता है सुन लो। निकोलस केज का कैरेक्टर एक प्रोफेसर है जो कि एक ही रात में सेलिब्रिटी बन जाता है, क्योंकि वो सबके सपने में आता है, जहां उसकी लाइफ में तरह तरह की चीजें होती हैं। एक तरह से वो कॉमेडी मूवी होने वाली है और भाई निकोलस केज एक हर कैरेक्टर में जान डाल देता है। खैर देखेंगे। खैर डिज्नी अपना पैसा बोले तो $60 बिलियन अपने थीम पार्क पे खर्च करने वाला है, क्योंकि वो उससे रेवेन्यू भी जनरेट करेगा और उसमें तरह तरह के डिफरेंट अपने यूनिवर्स की चीजें उठाकर उनके ही थीम पर बेस्ड पार्क बनाएगा। भाई पैसा कमाना है सबको। खैर गटर के अंदर रहने वाली टर्टल निंजा वाली मूवी आ चुकी है, जो कि भाई पैरामाउंट पिक्चर पे स्ट्रीम हो रही है, तो जाके देख सकते हो। खैर पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियस का ट्रेलर आ चुका है, जो ठीक लगा देखने में, जो कि 20 दिसंबर को डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज हो जाएगी। खैर उसी के साथ एक सीरीज का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ है, जिसके लिए पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड था, जिसको मैंने देख भी लिया है। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टिनेंटल सीरीज की फ्रॉम द जॉन विक वर्ल्ड, जिसका फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप हो चुका है, जिसको देखने में मजा आया। सिनेमेटोग्राफी केजीएफ एडिटिंग स्टाइल देखने मिलेगा और एक माहौल सेट करती है ये सीरीज, कॉन्टिनेंटल के रूल एस कम्युनिकाडो एडजुडिकेटर, और इसका ड्यूरेशन 1 घंटा 27 मिनट है, तो भाई बहुत अच्छी खासी लेंथ पकड़ी है। और एपिसोड 2 और 3 ही आएंगे इसके, जिसका वेट तो करना बनता है। ओवरऑल एपिसोड बहुत बढ़िया है और बोरियत फील नहीं हुई मुझे देखते हुए। खैर अपने क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर की डिटेल रिलीज अभी तक रिलीज नहीं हुई है, यहाँ बताया जा रहा है कि नवंबर तक ये मूवी डिटेल नहीं आएगी। और इसी तरह ओपेनहाइमर मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम में 69 नंबर पे आती है, और ये नंबर काफी इंटरेस्टिंग है। खैर द हंगर गेम बलार्ड एंड सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक का ट्रेलर आ चुका है, जो कि भाई 17 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो जाएगी, जिसके पहले वाले पार्ट तो काफी अच्छे लगे थे इसका पता नहीं। खैर तो क्रिशन वेल के एल्फर्ड यानी कि माइकल केन ने कहा कि अब वो 90 साल के हो चुके हैं, वो अब ठीक से चल नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा आई हैव हैड द बेस्ट पॉसिबल लाइफ आई कुड हैव थॉट ऑफ। खैर ये वन ऑफ द बेस्ट एल्फर्ड रह चुके हैं फ्रॉम क्रिस्टोफर नोलन बैटमैन ट्रिलॉजी। खैर मैक 2 29 सितंबर को डिजिटली रिलीज हो जाएगी, लेकिन इसका ग्रॉस सुनोगे $390 मिलियन का है। भाई फ्लैश का पता नहीं क्यों नहीं चल ये मूवी, लोग भाई एक आदमी को शार्क से लड़ने देखने जा रहे हैं यार, इतने लोग पता नहीं क्या चल रहा है। खैर जेनवी सीरीज में सोल्जर बॉय का कैमियो कंफर्म हो चुका है। खैर चकी का सीजन 3 आ चुका है, जिसका ट्रेलर भी आ चुका है, जो कि भाई 4 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगा। खैर तो बात करें अपन एक्सपेंडेबल 4 की, तो भाई ये मूवी बहुत बुरी पिट रही है, यहाँ रोटेन टोमेटो पे इसकी रेटिंग 16% है, क्रिटिक ने धो दिया इस मूवी को, क्योंकि भाई अगर तुम इस मूवी को देखोगे तो शायद तुम भी इस पे टमाटर ही फेंकोगे। लेकिन मेरे दोस्त तुम मेगन फॉक्स को देखने जा सकते हो, लेकिन जब ओटीटी पे आ जाए तभी देख लेना, फालतू पैसा क्यों बर्बाद करना। खैर द स्माइल 18 अक्टूबर 2023 में रिलीज होगी और यह हॉरर फिल्म है, हंसने की जगह कब डर महसूस हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ऊपर से नन 2 ने $200 मिलियन का बिजनेस कर लिया है, तो भाई डरा डरा के पैसे कमाए जा रहे हैं। खैर इसी के साथ मास्टर चर्चा को यही खत्म करते हैं, तो भाई एक वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।